टेनिस कोर्ट में फिर से दिखा महेंद्र सिंह धोनी का जलवा, लगातार तीसरी बार जीती है जेएससीए मेंस डबल का खिताब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों क्या पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज का पूरी अपडेट। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी ने जेएससीए में रांची इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग ली थी। धोनी लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। इससे पहले अपने पार्टनर सुमित कुमार बजाज के साथ 2018 और 19 में डबल मेंस की ट्रॉफी जीत चुके हैं। दोस्तों भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक ट्रॉफी को जीत को लेकर फिर से सुर्खियों का विषय बने हुए हैं। इस बार धोनी ने झारखंड टेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन चैंपियनशिप 2022 का डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। उसमें उनका साथ सुमित कुमार बजाज ने दिया है। सुमित ने अपने ट्विटर हैंडल पर धोनी के साथ एक तस्वीर शेयर की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी ने जेएससीए के रांची इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग ली थी। धोनी ने लगातार तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले पार्टनर सुमित बजाज के साथ और साल 2018 और 19 में यह कारनामा कर चुके हैं। धोनी और सुमित की जोड़ी ने फाइनल में कन्हैया रोहित की जोड़ी को हराकर झारखंड टेस्ट क्रिकेट एसोसिएशन चैंपियनशिप 2022 का डबल खिताब जीता था। वह दोस्तों गौरतलब हो कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीती है। धोनी ने अपनी कप्तानी में साल 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान है। इनके अलावा भारत टेस्ट में पहली बार धोनी की कप्तानी में नंबर वन था। इसके अलावा आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग टीम को 4 बार आईपीएल खिताब महेंद्र सिंह धोनी दिलवा चुके हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी में बस इतना ही। महेंद्र सिंह धोनी की इस बड़ी उपलब्धि के बारे में आप अपने व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।